subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप एक अपने YouTube चैनल हाईटेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एनीकास्ट डिवाइस की मदद से आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं अपने टेलीविजन के साथ। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप वायरलेस डिस्प्ले की मदद से किस प्रकार से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं अपने टेलीविजन के साथ। लेकिन दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मेरे को आप पे काफी सारे कमेंट आए थे कि आपके टेलीविजन में वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके भी टेलीविजन में वायरलेस डिस्प्ले या फिर कास्टिंग का ऑप्शन नहीं है तो आज के वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार आप एनीकास्ट डिवाइस की मदद से आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं अपने टेलीविजन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो का प्रोसीड करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन यानी कि घंटे के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सके। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि एनीकास्ट डिवाइस होता कैसे है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है एनीकास्ट M4 प्लस। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर एनीकास्ट M2 प्लस डिवाइस भी आता है, आप दोनों ही डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ एनीकास्ट M4 प्लस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस डिवाइस को मैंने अमेजोन से परचेस किया है। तो अगर आप भी इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी इसका परचेजिंग लिंक हाईलाइट कर दूंगा। तो उस लिंक की मदद से आप डायरेक्टली इस डिवाइस को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर बॉक्स पर क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनीकास्ट M4 प्लस, यहाँ पे डिवाइस का यहाँ पे नाम मेंशन है और साथ ही नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई, DLNA, एयरप्ले, क्लाउड, मीराकास्ट। तो इन सभी मोड्स की मदद से दोस्तों आप इस एनीकास्ट डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिल जाता है। तो यहां पर दोस्तों फ्रंट में ही एनीकास्ट डिवाइस दिया गया है। और यहां पर दोस्तों केबल भी दी गई है इस एनीकास्ट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और साथ ही इसमें आपको एक यूजर मैनुअल भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये यूजर मैनुअल इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो यहां पर आप इजीली इस यूजर मैनुअल को पढ़ के इस एनीकास्ट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने टेलीविजन के साथ। तो दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर हमको एक एनीकास्ट डिवाइस मिलता है और साथ ही साथ एक केबल मिलती है इसको कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आपको इस एनीकास्ट डिवाइस को कनेक्ट करना है आपके टेलीविजन के साथ। तो दोस्तों, ये है मेरे टेलीविजन का बैक पोर्शन और यहां पर आप देख सकते हैं HDMI 1 स्लॉट। तो इस स्लॉट में मैं दोस्तों इस एनीकास्ट डिवाइस को लगाने वाला हूं। कैसे लगाऊंगा आप देखते रहिए। तो एनीकास्ट डिवाइस को दोस्तों इस HDMI स्लॉट में लगाने से पहले इस केबल को मैं लगा लेता हूं एनीकास्ट डिवाइस में। तो दोस्तों, यहां पर आपको इस केबल में दो जैक मिलते हैं, एक है USB जैक और दूसरा है micro USB। तो इस micro USB वाले को दोस्तों आपको कनेक्ट करना है इस एनीकास्ट डिवाइस के साथ। इस प्रकार से आप कनेक्ट कर देंगे और इस पोर्शन को दोस्तों आपको कनेक्ट करना है इस अडेप्टर के साथ। ये अडेप्टर दोस्तों आपको मोबाइल फोन के साथ मिलता है। तो इस प्रकार से आप इस चार्जिंग अडेप्टर को इस प्रकार से आप लगा लेंगे। अब आपको इस एनीकास्ट डिवाइस को इंसर्ट करना है इस HDMI स्लॉट में। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं HDMI स्लॉट में हमने एनीकास्ट डिवाइस को इंसर्ट कर दिया है। अब यहां पर हम इस एनीकास्ट डिवाइस को पावर देंगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एनीकास्ट डिवाइस को पावर देते ही यहां पर ब्लू कलर की लाइट यहां पे ऑन हो गई है। तो यहां पर दोस्तों हमने टेलीविजन में एनीकास्ट डिवाइस को प्लग इन कर लिया है। अब हम इस टेलीविजन को ऑन कर लेते हैं। तो टेलीविजन ऑन हो चुका है, अब हम HDMI 1 स्लॉट को ओपन कर लेते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एनीकास्ट डिवाइस यहाँ पे प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है हमारे टेलीविजन के HDMI स्लॉट में। अब यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी मोबाइल फोन के साथ एनीकास्ट डिवाइस को पेयर करना चाहते हैं आपको इस मोबाइल फोन के नोटिफिकेशन पैनल पर जाना होगा। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं कास्ट का, आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस वायरलेस डिस्प्ले कनेक्शन को देख सकते हैं जिसका नाम है SP2DC9F7। सेम यही कनेक्शन हमारे टेलीविजन पर भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन पर इस वायरलेस डिस्प्ले कनेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल फोन और हमारा टेलीविजन दोनों ही आपस में पेयर हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल फोन और टेलीविजन दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं। तो अब हम जो भी अपने मोबाइल फोन में करेंगे वो सेम चीज आप अपने टेलीविजन में भी देख पाएंगे अब आप। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि कितना आसान है इस एनीकास्ट डिवाइस को टेलीविजन के साथ पेयर करना। तो दोस्तों अगर आप भी इस एनीकास्ट डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप डायरेक्टली इस एनीकास्ट डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी की क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। वैसे दोस्तों आई होप आज के वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कॉमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों नमस्कार।